निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल जानेंगे कल के लिए क्या होने वाले। कल नई एक्सपायरी शुरू हो रही है दोस्तों, तो नई एक्सपायरी में जो है अगर आप बिगनर्स हो तो एक ही लॉट पे काम करना चाहिए, क्योंकि नई एक्सपायरी में जो है प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं। तो चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या लेवल निकल के आ रहे हैं, कल के दिन क्या ट्रेड बन रही है, और फिर उसके बाद जानेंगे हम ऑप्शन चेन डेटा। ऑप्शन चेन डेटा के बाद हम जानेंगे टिप क्या निकल के आ रही है कल के दिन के लिए, जिसकी मदद से हम अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से लेके जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के दिन। आप देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिया हमें, डाउन साइड हमने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बनाया, बहुत ज़्यादा वेट करवाया आज बैंक निफ्टी ने, लेकिन डाउन साइड अच्छा खासा प्रॉफिट हमें मिला है। इस रेजिस्टेंस के पास आने के बाद यहाँ पे एक आपको दिख रही है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार के बारे में अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पर मिल जाएगी। शूटिंग स्टार को आप किस तरह से ट्रीट कर सकते हो मार्केट में और किस तरह से प्रॉफिट निकाल सकते हो, सारी डिटेल में मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो उस वीडियो को ज़रूर जाके देखिए। शूटिंग स्टार के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की रखी। तो यहाँ पे शूटिंग स्टार बनने के बाद हमें कंफर्मेशन हुआ, हमने यहाँ पे एंट्री लिया। एंट्री लेने के बाद आप देख पा रहे हो प्रॉफिट कितना बढ़िया बना है और अच्छा खासा हमें प्रॉफिट हुआ है आज के दिन भी बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मैंने बताया था कि ये ट्रेंड लाइन बन के निकल के आ रही है। पिछली एनालिसिस वीडियो में मैंने बताया था ट्रेंड लाइन आप देख पा रहे हैं, ट्रायंगल पैटर्न मैंने बताया था, और ट्रायंगल पैटर्न का अगर ब्रेकआउट होगा तो हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल जाएगा, ये मैंने बताया था, और बिल्कुल मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। थोड़ा सा बैंक निफ्टी जो है साइडवेज चली, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस था बहुत ही मजबूत था दोस्तों मार्केट में बैंक निफ्टी में, और यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाई है। देख पा रहे हैं ब्रेक कर देती तो अच्छा खासा मूवमेंट हमें अप ट्रेंड में देखने को मिल जाता, लेकिन रेजिस्टेंस मजबूत होने के कारण ब्रेक नहीं कर पाई और फिर से बैंक निफ्टी डाउन साइड आई है। तो हमें यही मूवमेंट चाहिए था, जैसे ही इस रेजिस्टेंस के पास कोई बेरिश कैंडल दिखे तो हम यहाँ पे पुट साइड एंट्री ले सकते थे, यही हम वेट कर रहे थे, और बिल्कुल मार्केट ने हमें जो है हमारा जो एनालिसिस था उस हिसाब से मार्केट ने मूवमेंट दिखाया है। चलिए देख लेते हैं निफ्टी में क्या हुआ है। निफ्टी में भी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला है, जैसे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाया था उसी तरह से निफ्टी ने भी यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाया है, देख पा रहे हैं आप। और सपोर्ट हमारा जो था यही था, ये वाला सपोर्ट था, यहाँ तक का टारगेट हमने बुक किया है आज निफ्टी में। कल के लिए क्या टारगेट होना चाहिए वो देख लेते हैं, लेवल बता देती हूँ मैं आपको। चलिए लेवल मैंने ड्रॉ कर रखी है, आप देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी में 40,678 का सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट है 40,493 का, तीसरा सपोर्ट है हमारे पास 40,348 का। ये तीनों ही सपोर्ट लेवल है, रेजिस्टेंस हमारे पास बना हुआ है 44,000 का राउंड फिगर लेवल है, ये आपको याद रखना है। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग होकर अपसाइड निकलती है तो ये पहला रेजिस्टेंस होगा, दूसरा रेजिस्टेंस डायरेक्टली हमारे पास 44,000 का लेवल होने वाला है जो एक राउंड फिगर लेवल है, ये हमारे पास दूसरा रेजिस्टेंस होने वाला है। कल के दिन बैंक निफ्टी में अप ट्रेंड में निकलती है तो सीधा हमें ये टारगेट दिखा देगी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी गैप ओपनिंग के डाउन से रहती है तो ये पहला सपोर्ट होगा 40,678 का, दूसरा सपोर्ट है 40,493, तीसरा सपोर्ट है हमारे पास 40,348 का लेवल। तो ये बैंक निफ्टी में लेवल निकल के आ रहे हैं। निफ्टी में देख लेते हैं क्या लेवल निकल के आ रहे हैं। निफ्टी में भी मैंने लेवल ड्रॉ कर रखे हैं और निफ्टी में आप देख पा रहे हो ये एक रेजिस्टेंस मजबूत बना हुआ है जो है 18,860 का लेवल। यहाँ तक मूवमेंट हमें निफ्टी दिखा सकती है अगर अप ट्रेंड में आती है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके, तो ये पहला रेजिस्टेंस होगा, ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस टारगेट के जैसे बनने वाला है कल के दिन निफ्टी में। निफ्टी समझ लीजिए गैप अप ओपनिंग होकर डाउन साइड आती है, इस तरह से गैप अप ओपनिंग होकर डाउन साइड आती है तो ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा 18,800 का, दूसरा सपोर्ट 18,765 और तीसरा सपोर्ट 18,717 का लेवल। ये तीनों लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं निफ्टी में। अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर जाती है निफ्टी तो नीचे के लिए हम निफ्टी में जो है 70 से 80 पॉइंट टारगेट लगा सकते हैं। देख लेते हैं निफ्टी में नेक्स्ट सपोर्ट क्या बन सकता है। बिल्कुल 70 से 80 पॉइंट, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे आप 70 से 80 पॉइंट निफ्टी में आराम से निकाल सकते हो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में अगर डाउन साइड आती है बैंक निफ्टी अगर डाउन साइड आती है तो 120 से 130 पॉइंट आप आराम से बैंक निफ्टी में निकाल सकते हो। जो लेवल मैंने बताया है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन चेन डेटा क्या कह रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से कहाँ पे बन रहा है वो हम देख लेते हैं ऑप्शन चेन डेटा में। निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा मैंने ओपन कर रखा है, 18,771 पे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है, और अगर हम यहाँ पे OI देखें तो हमें मिल जाएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सबसे बढ़िया OI कहाँ पे बना है वो हमें देखना पड़ेगा, जो सबसे बढ़िया OI मुझे 18,700 पे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और इस तरफ अगर हम देखें तो 18,850 है, 18,900 पे अच्छा खासा बना हुआ है, और यहाँ पे 19,000 पे मुझे अच्छा खासा OI नज़र आ रहा है।
लेकिन इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे भी 18,800 पे भी अच्छा खासा वाई नज़र आ रहा है। तो ये जो लेवल है 100 पॉइंट का लेवल है, ये हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जैसे काम करेगा। अगर अप ट्रेंड में निकलती है तो ये लेवल जो है 19,000 का, वो हमारे लिए रेजिस्टेंस बनने वाला है, मजबूत रेजिस्टेंस है, आप देख पा रहे हैं। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निफ्टी में बन के निकल के आ रहे हैं। चलिए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेंज देता ओपन कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 48,744 पे, और अगर हम यहाँ पे मजबूत ओआई देखें कहाँ पे बना हुआ है, तो हमें मिल जाएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 48,500 पे। मुझे अच्छा खासा ओआई नज़र आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे मुझे सीधा सीधा 48,700 पे है। हर एक 100 पॉइंट पे बैंक निफ्टी में जो है आप देख पा रहे हैं ओआई अच्छा खासा बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा रिस्की होगा, अगर आप बैंक निफ्टी में कल ट्रेड लेते हो तो आप यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो, क्योंकि हर एक 100 पॉइंट पे यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बैठे हुए हैं, तो हो सकता है आप ट्रैप हो सकते हो। लेकिन ये जो डेटा है ऑप्शन चेन डेटा का, वो लाइव मार्केट में अपडेट होता रहता है, तो आपको लाइव मार्केट में इसे ऑब्जर्व करना सीखना चाहिए। इसलिए मैं वीडियो में आपको सिखाती रहती हूँ कि किस तरह से आपको लाइव मार्केट में पहचानना है कहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन रहा है, उसकी मदद से हम जो है प्रॉफिट निकाल सकते हैं मार्केट से। चलिए देख लेते हैं टिप क्या निकल के आ रही है कल के दिन के लिए, जिसकी मदद से हम अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हैं। दोस्तों मैं मार्केट से प्रॉफिट निकालने के तीनों तरीके आपको बताती हूँ, एक ऑप्शन चेन देता, लेवल्स बताती हूँ, और टिप भी बताती हूँ, जिसकी मदद से आप जो है कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकाल सको मार्केट से, और सीख सको कि किस तरह से आप जो है ट्रेड ले सकते हो। ऑप्शन चेन डेटा के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, वो वीडियो ज़रूर जाके देखिए, उसमें मैंने वॉल्यूम भी बताया हुआ है। वॉल्यूम के साथ अगर आप ओपन इंटरेस्ट को यहाँ पे कंबाइन कर लेते हो तो कितना बढ़िया प्रॉफिट हम मार्केट से निकाल के लेके जा सकते हैं, ये मैंने सिखाया हुआ है ऑप्शन चेन डेटा में। और प्रो ऑप्शन चेन डेटा के बारे में भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को भी ज़रूर जाके देखिए, मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। दोस्तों अगर ये वीडियो आपने नहीं देखे तो ज़रूर जाके देखिए किस तरह से हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, और किस तरह से जान सकते हैं बड़े प्लेयर्स कहाँ पे बैठे हुए हैं, ये मैंने इस वीडियो में सिखाया हुआ है। तो ज़रूर जाके देखिए, इस वीडियो को मिस मत कीजिए, आपको मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में ये वीडियो भी मिल जाएगी। ट्रैप से किस तरह से बचा जाए इस वीडियो में मैंने ये बताया हुआ है, और इस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया आपने, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। दोस्तों यहाँ पे फेक ब्रेकआउट से किस तरह से बचा जा सकता है, और रिवर्सल में ट्रेड लेके कितना बड़ा प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं, ये मैंने इस वीडियो में सिखाया हुआ है। आपको फेक ब्रेकआउट को किस तरह से अवॉइड करना है ये आपको सिखाया हुआ है, तो ज़रूर जाके देखिए इस वीडियो को भी, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए इस वीडियो को भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मेरे लिए बनाई हुई है। तो इस वीडियो को ज़रूर जाके देखिए, आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में ये वीडियो भी मिल जाएगी। 50 EMA की स्ट्रैटेजी मैंने सिखाई हुई है, और ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है, इस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया आप लोगों ने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो 50 EMA की स्ट्रैटेजी हमें कितना बढ़िया प्रॉफिट देके जाती है, अगर आपने ये स्ट्रैटेजी सीख ली तो